मोदी की वो ट्रेन जो जिंदगी भी बचाती है। ट्रेन जिंदगी कैसे बचाएगी बॉस, हम दिखाते हैं। मोदी की वो ट्रेन जिसके लिए पैसे देने से मना कर रहे थे केजरीवाल, आज उसकी तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। और वो ट्रेन जो आपको दो बेडरूम के घर से कोठी में ले जाने की ताकत रखती है, अब जरा उस ट्रेन से मिलिए। आज आप पहली बार वो ट्रेन देखने जा रहे हैं जो पैसा बरसाएगी। वो सफर जो आप अमूमन सड़क से दिल्ली एनसीआर में दो घंटे ढाई घंटे में पूरा करते हैं, वो 40 मिनट में 45 मिनट में पूरा करा देंगे। देखिए मैं इसको दबाता हूं, ये मैंने दबाया और ये दरवाजा खुल गया और अब मैं इस ट्रेन के अंदर जो है वो पहुंच चुका हूं। 124 किलोमीटर प्रति 126 और ये गति बढ़ती जा रही है। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है, जो भारत में शायद ही आप कोई ट्रेन देखते होंगे जो 145 150 चलती होगी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और कोई झटका नहीं। इस ट्रेन में ये हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये स्ट्रेचर लेकर आने के लिए व्यवस्था की गई। अब हम आते हैं उस बड़े मुद्दे जिससे मैंने शुरुआत की थी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी ट्रेन लेकर आ गए हैं जो पैसे बरसाए। आपने देश में बहुत सारी ट्रेनें देखी होंगी, लेकिन आज आप पहली बार वो ट्रेन देखने जा रहे हैं जो पैसा बरसाए। आज हम आपको नरेंद्र मोदी जो ट्रेन ला रहे हैं जो पैसा बरसाएगी उसके बारे में दिखाने जा रहे हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप कहेंगे यार ट्रेन कैसे पैसा बरसा सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको यकीन होगा। लेकिन पहले इस ट्रेन को देखिए जिसे RRTS कहा जा रहा है, यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। और ये वो ट्रेन है जो दिल्ली NCR के कुछ इलाकों को जोड़ेगी, जिसमें चार राज्यों के हिस्से आएंगे, जिसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली तो है ही, और साथ ही अगले फेज में राजस्थान भी जो है वो जुड़ जाएगा। और ये ट्रेन क्या अद्भुत कमाल करेगी, कैसे आपके लिए पैसा बरसाएगी, आज आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले जरा इस ट्रेन की खूबी देखिए, खासियत देखिए। ये आपको स्टेशन तो नजर आ ही रहा है, जिसमें इस वक्त हम जिस हिस्से में खड़े हैं वो दरअसल प्रीमियम लॉन्ज बनाया गया, मतलब अगर आप आ रहे हैं तो यहां पर आप जो है वो आराम से आकर बैठ सकते हैं। यहाँ वेंडिंग मशीन लगी हुई है, आपको जो चीजें खरीदनी है खाने पीने की वो खरीदिए। प्रोटीन बार नजर आ रहा है, जूस वगैरह नजर आ रहा है। ऊपर एक बड़ा शानदार सा बहुत बड़ा पंखा लगाया हुआ है, तो वो घन 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 हवा फेंकता रहेगा, आप मजा लेते रहिए। और ये ट्रेन जो है वो आपको मौका देगी वो सफर जो आप अमूमन सड़क से दिल्ली NCR में दो घंटे ढाई घंटे में पूरा करते हैं, वो 40 मिनट में 45 मिनट में पूरा करा देगी। इसका टिकट कैसे लेना है, क्या करना है, वो भी आपको बता देता हूं। लेकिन आप ये भी देखिए कि इसमें एंट्री कैसे है। जैसे आप यहां पर पहुंचते हैं और यहां पर एक बटन लगा हुआ है, तो अमूमन क्या होता है मेट्रो में, क्या होता है कि आप जैसे पहुंचे दरवाजा खुला हुआ रहता है। यहां क्या है, आपको ये बटन दबाना है तब ये दरवाजा खुलेगा। अगर आप नहीं जा रहे हैं अंदर नहीं खुलेगा, अगर आप बाहर नहीं आ रहे तो नहीं खुलेगा। इससे अंदर जो है वो तापमान भी बना रहेगा। अब देखिए मैं इसको दबाता हूं, ये मैंने दबाया और ये दरवाजा खुल गया और अब मैं इस ट्रेन के अंदर जो है वो पहुंच चुका हूं। और इस ट्रेन के अंदर आने पर पहली आपकी फीलिंग ये आती है कि यार ये रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है, ये जो बना हुआ है, ये मेट्रो वाला फील दे रहा है। आप देखिए जो जितने यहां पर अगर आप देखेंगे सीट्स लगी हुई हैं, एक तो बढ़िया कुशन वाली सीट है। तो अमूमन NCR वगैरह में जब आप ट्रेन में चलते हैं तो आपको आदत होती है कि आप जो है वो लोकल पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें आपको प्रीमियम फील आ रहा है। अगर आप खड़े भी हैं तो यहां पर ये सुविधा भी दी गई है कि ये हैंडल है कि आप इसको पकड़कर खड़े हो गए तो आपको झटका नहीं लग रहा, आप यहां भी पकड़कर खड़े हो सकते हैं। इसके बाद यहां पर स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें कि अलग अलग स्टेशन्स जो हैं वो आते जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको किस स्टेशन पर उतरना है, किस स्टेशन पर नहीं उतरना है। एक चीज जो मेट्रो में नहीं होती है वो इसमें मौजूद है कि यहां पर ऊपर सामान रखने की व्यवस्था की गई है। भाई अब आप मेरठ से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं और अगर आगे तक जा रहे हैं तो कई बार लोग सामान लेके चलते
जाते हैं तो वो सामान कहाँ रखेंगे? फिर वो सामान रखने के लिए इसमें ये जगह दी गई है जो कि अमूमन मेट्रो में नहीं होती। इसमें और मेट्रो में एक और फर्क भी है कि भाई आप अगर देखेंगे मेट्रो में जो स्पीड होती है मैक्सिमम जो है वो 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां एक्सप्रेस वे पे इतनी तेज नहीं चलती जितनी ये ट्रेन चलेगी, और इसलिए इसे जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट नाम दिया गया। अब ये देखिए बड़ी एक और सुविधा आपको दिखाता हूं। यहां पर आप बैठेंगे, आप सफर कर रहे हैं और यहां पर देखिए चार्जिंग की व्यवस्था है। मतलब आपने मोबाइल अपना लगाया, मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग के लिए व्यवस्था दी गई है, यूएसबी केबल की व्यवस्था दी गई है, चार्ज करते रहिए जो 40 मिनट लग रहा है उसमें अपना काम करते चलिए, क्योंकि अमूमन माना जा रहा है कि ट्रेन से काम करने के लिए ही लोग जो हैं वो यहां पर आएंगे। तो ये प्रीमियम लाउंज वाली जो सीट्स हैं वो आपको दिखा रहा हूं, और ये आपको पूरा पैनल दिखा रहा हूं। इसकी जो है शुरुआत होने जा रही है, और ये अपने आप में क्या बदलाव लाएगा, क्या व्यवस्था करेगा कि जो मैं आपसे कह रहा था कि पैसे बरसाने वाली ट्रेन जो है इसको कहा जा रहा है, वो क्यों कहा जा रहा है, अब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जरा सुविधाओं के नाम पर आप देखेंगे सेफ्टी भी एक बड़ा फीचर है। अगर आप देखेंगे यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो आप जितनी भी इसमें हिस्सा देख रहे हैं वो सारा इस सीसीटीवी की नजर में है। अब आप सोचे भाई मैंने बैग ऊपर रख दिया, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं, कोई सामान लेके उतर गया, अरे भैया देख ना रहा है सब। आप सोचेंगे कोई मेरे साथ गलत हरकत ना कर दे, कोई छिड़खानी हो गई, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, सब सीसीटीवी की नजर में है, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ये ऊपर वाला देख रहा है। अब अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, इसको अगर आप देखेंगे, ये आम जो ट्रेन में हिस्सा होता है कि भाई आप आराम से गए, अच्छा यहां भी वेंडिंग मशीन जो है ये लग जाएगी। ये देखिए ये अभी इसमें लगी नहीं है, लेकिन यहां पर भी वेंडिंग मशीन लगेगी। अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, आपको भूख लग गई, प्यास लग गई, आराम से जब जाइए और कोक मशीन, कोक निकालिए, जूस निकालिए, जो चीज निकाला निकालिए। अब आप आ गए नॉर्मल हिस्से में, इसमें देखिए ये नॉर्मल आपको कहने को है, लेकिन इसमें कोई कमी वैसी नहीं है। इसमें भी सोफे जैसी सीटें लगी हुई हैं, बढ़िया गद्देदार सीट है, आराम से मजे से बैठिए और मेरठ से चढ़िए और आराम से नौकरी करने आप दिल्ली एनसीआर में आ जाइए। तो वो, और इसमें अगर आप देखेंगे स्पेस भी काफी अच्छा खासा है, ये जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है तो ये पूरा स्पेस आपको फील होता है। और यहां से देखिए अंत तक कुल इसमें 6 डब्बे हैं, जिसमें एक प्रीमियम डब्बा है और बाकी जनरल डब्बा है। और जनरल जैसा तो इसमें कुछ नहीं है, प्रीमियम और जनरल में कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप यहां से वहां तक देखें तो आपको पूरा एक लंबा कॉरिडोर जो है वो नजर आता है। अब हम आरआरटीएस के पायलट केबिन में मौजूद हैं, जहां पर ड्राइवर बैठता है और इस ट्रेन को चलाएगा। तो अगर आप देखेंगे सामने एक बड़ी सी विंड स्क्रीन है जिससे आपको पूरी ट्रैक जो है वो नजर आ रही है, लेकिन अगर आप अंदर देखेंगे तो यहां पर कुछ यंत्र तंत्र लगे हैं जो मैं ज्यादा तो नहीं समझ सकता, लेकिन जितना समझ पा रहा हूं आपको बता सकता हूं कि जैसे अगर आप यहां देखेंगे कि एक रेड लाइट लगी हुई है कि अगर ब्रेक में कोई फॉल्ट आ गया तो ये रेड लाइट जल जाएगी, इनवैलिड ब्रेक टेस्ट है, अगर ब्रेक स्टक हो गया है तो यहां पर ये लाल लाइट जल जाएगी, इस तरह की व्यवस्था है, हॉर्न हाई टोन वगैरह है। यहां पर अगर आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा जो है उनकी फुटेजेस, जो ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वो हर डिब्बे में क्या हो रहा है आप उसको देख सकते हैं, और वो लगातार जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। तो जो पायलट अंदर बैठा है, जिसे आप ट्रेन का ड्राइवर भी कहते हैं, वो भी इसको जो है वो लगातार नजर रख सकता है। तो अपने आप में ये बहुत शानदार केबिन है, एसी की हवा है। कई बार पुरानी ट्रेन जब हम बाहर से ट्रेन वगैरह मंगाया करते थे तब ऐसा था कि अंदर हम सोचते थे कि ड्राइवर को कितनी गर्मी लगती होगी, बढ़िया एसी कमरे में बैठकर बढ़िया आरआरटीएस ट्रेन चलाइए और यहां पर जो है आराम से सफर कीजिए। तो ये भी अपने आप में बड़ा शानदार सा है। आइए अब आपको दूसरी चीजें दिखाते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज दिखाता हूं। यहां स्पीड देखिए, ये ट्रेन 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और हम बड़े आराम से खड़े हैं और आपको फील ही नहीं होगा कि 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है। मतलब अगर आप खड़े होकर भी सफर कर रहे हैं, और देखिए अभी हमने कुछ पकड़ा हुआ भी नहीं है, यहां हैंड इसको पकड़ने के लिए हैंडल्स दिए गए हैं, लेकिन हैंडल्स पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम 100 पर आ गए, अभी थोड़ी देर पहले हम 140 की स्पीड पे चल रहे थे और आराम से खड़े,
मतलब इतनी स्मूथ राइड है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अमूमन ट्रेन में जब आप चलते हैं और अगर और यहां पर टर्न है इसलिए मुझे लगता है स्पीड कम हुई है, थोड़ी देर में स्पीड फिर बढ़ेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आराम से चल रहा हूं, ये खड़ा हूं मैं आराम से 100 की स्पीड पे ये ट्रेन चल रही है। अमूमन जो है आपको याद होगा ट्रेन में अगर गाने भी फिल्माए जाते हैं तो उसमें हीरो जो है वो यूं ही हिलता रहता है, या अगर आप जो है वो मेरठ से दिल्ली आ रहे हैं और ट्रेन में सफर कर रहे हैं और ज्यादा सफर कर लेते हैं 2-2.5 घंटे लग जाते हैं तो आप घर पहुंचते हैं तो थोड़ा हिलने वाला फील आता रहता है। यहाँ हिलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है बॉस, आप देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है और एक भी झटका महसूस नहीं हो रहा, बिल्कुल स्मूथ राइड। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं और आप गाड़ी में आराम से बैठे रहते हैं उस तरह का फील जो है वो यहां पर महसूस हो रहा है। अब आप एक बार फिर देखते जाइए 126 और ये गति बढ़ती जा रही है। जिस मेट्रो में आप सफर करते हैं वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। इस ट्रेन की गति देखिए 140 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब हम पहुंचने वाले हैं और हमारे कैमरा पर्सन ने कोई जो है सहारा नहीं ले रखा, नॉर्मल हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और कोई बड़ा झटका नहीं कुछ नहीं, 140 पार हो चुका है। अब हम आपको दिखा रहे हैं 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है, जो भारत में शायद ही आप कोई ट्रेन देखते होंगे जो 145-150 चलती होगी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने में तो आप गाड़ी चलाइए तो चालान कट जाएगा, तो इससे बढ़िया है कि आप ट्रेन में ही सफर कीजिए, 150 वाला फील लीजिए, मजा लीजिए, एसी में बैठ के सफर कीजिए और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में आराम से देखिए ये 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और कोई झटका नहीं, आराम से खड़ा हूं, कोई पकड़ के खड़े होने की जरूरत नहीं भैया। ये है इस ट्रेन का कमाल कि आप दिल्ली से मेरठ, दिल्ली एनसीआर का जो पूरा एरिया है वो आराम से कवर कर लेंगे और पूरी गति से करेंगे। यही इसके नाम में भी है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी रैपिड, बहुत तेजी से आप जो है वो दिल्ली एनसीआर के एरिया को कवर कर सकते हैं। अब जब आप इसमें सफर कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको आराम पहुंचाएं इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे अगर आप देखेंगे ये रिक्लाइनिंग सीट है तो थोड़ा सा आप रिलैक्स होके पीछे सीट को करके बैठ सकते हैं। यहाँ फुटरेस्ट के लिए, पैर को आराम देने के लिए एक फुटरेस्ट दिया गया है तो उसकी व्यवस्था है। कोई मैगजीन लैपटॉप वगैरह आपको रखना है तो उसके लिए जगह दी गई है। इसके अलावा यहाँ बॉटल होल्डर है, मतलब अगर आप घर से पानी लेकर आए हैं या वेंडिंग मशीन से आपने कोई चीज ली है तो उसको यहाँ पर रख सकते हैं। अगर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर ये कार्ड आपका कोट होल्डर दिया गया है तो आप उसको यहाँ पर आराम से टांग सकते हैं, ये व्यवस्था है। इसके अलावा अगर आपको प्रीमियम कोच में आप सफर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये व्यवस्था दी गई है, आप पर्दा भी गिरा सकते हैं, यानी यहाँ पर कर्टन की व्यवस्था है। इसको आपने ढक दिया, आप धूप वगैरह नहीं लग रही है, मन किया इसको उठा दिया और फिर जो है वो आप बाहर आराम से देख सकते हैं। तो कुछ फैसिलिटीज ऐसी हैं जो आपको, भले आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में सफर कर रहे हैं, काम के लिए हो सकता है जा रहे हैं, लेकिन आपको प्रीमियम फील कराएंगी। और जब मैं ये देख रहा हूं कि यहां से वहां तक अगर आप देखेंगे, कहने को ये प्रीमियम डब्बा है, इसके बाद एक डब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है और उसके बाद 4 और डब्बे हैं, लेकिन प्रीमियम में कुछ सुविधाएं एक्स्ट्रा हैं, लेकिन आपको फील जो है ना वो सब में एक जैसा ही आएगा। आपको सारे डब्बे, उसकी सिटिंग, उसकी व्यवस्था, ऐसा लगेगा कि आप प्रीमियम में ही सफर कर रहे हैं। तो अब हम जरा सफर को शुरू करते हैं और जब सफर शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेन नोट कैसे बरसाएगी, पैसा कैसे। इस ट्रेन की कुछ और खासियतें आपको बताता हूं। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एक सिस्टम लगाया गया है जिसमें अगर मान लीजिए आपको ड्राइवर से संपर्क करना है, कुछ ऐसी चीज हो गई कि आपको बताना है कि भाई ट्रेन रोको या कुछ दिक्कत आ गई है, तो आपको ये कवर खोलना है, यहाँ ये बटन लगा हुआ है, इस बटन को दबाना है और फिर आप जो है वो चालक से बात कर सकते हैं, ये व्यवस्था दी गई है। तो ये एक बढ़िया सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा कई बार अगर मान लीजिए यहाँ बटन है, आपको दरवाजा खोलना है लेकिन दरवाजा जाम हो गया, तो अमूमन आपने देखा होगा कि शीशा तोड़ो बाहर निकलो की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर एक नॉब दिया गया है, इसमें आपको इस ढक्कन को खोलना है और इस नॉब को जैसे आप घुमाएंगे
तो दरवाजा कितना भी लॉक हो वो दरवाजा खुल जाएगा। तो ये सेफ्टी फीचर्स का भी ध्यान रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें महिला अटेंडेंट्स रखी गई हैं। जैसे अगर आप प्लेन में सफर करते हैं तो एयर होस्टेसेस होती हैं, वैसे ही इस ट्रेन में महिला अटेंडेंट्स हैं, जो कि आपको इस सफर में कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, कोई जानकारी चाहिए तो उसमें आपकी मदद करेंगी। और एक और चीज इसमें, इस RRTS प्रोजेक्ट में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 70 महिलाएं हैं, मतलब 70% महिलाओं का योगदान है इस पूरे प्रोजेक्ट में, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के बाहर, टिकटिंग से लेकर हर जगह तक, ऑपरेशन में भी और हर चीज में 70% के करीब महिला स्टाफ यहां पर मौजूद होगा, ये भी व्यवस्था की गई। अब इस ट्रेन की एक और बहुत बड़ी खासियत आपको दिखाता हूं कि अगर आप दिल्ली NCR में अपने किसी पेशेंट को इलाज के लिए ले जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि बहुत इमरजेंसी है, ट्रैफिक में 2-2.5 घंटे फंस जाएंगे, जान के जाने की नौबत आ सकती है, इस ट्रेन में ये हिस्सा अगर आप देखेंगे ये स्ट्रेचर लेकर आने के लिए व्यवस्था की गई, जो अपने आप में बहुत यूनिक है कि आप यहां पर स्ट्रेचर पर किसी पेशेंट को लिटाकर ला सकते हैं। और इसमें यहां स्ट्रेचर को लॉक लगाने के लिए व्यवस्था की गई है, स्ट्रेचर यहां लॉक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति व्हीलचेयर से आया है तो व्हीलचेयर वालों के बैठने के लिए अलग से सीट्स बनाई गई हैं। तो ये दिव्यांगों के लिए व्यवस्था है। और ये अपने आप में सबसे कमाल की चीज है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जिंदगी और मौत का सवाल हो, आपके पास वक्त नहीं है, आप ट्रैफिक में समय नहीं बर्बाद कर सकते, एम्बुलेंस तक ट्रैफिक जाम में फंस जाती है, तो ये एक तरीके से आपको एक 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 पूरा कॉरिडोर मिल गया कि आप 2-2.5 घंटे का समय जो है वो आप किसी के, जब जिंदगी और मौत की बात हो तो 2-2.5 घंटे जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आराम से आप 40-45 मिनट में पेशेंट को लेकर आए, लिफ्ट ऐसी है जिसमें बड़े से बड़ा स्ट्रेचर आ सकता है, सीधे लेकर आए, यहां स्ट्रेचर लगाया, यहां से उतरे, सीधे एम्स जाना है, किसी बड़े अस्पताल में जाना है वहां गए और जिंदगी बचाई। तो ये ट्रेन जिंदगी बचाने के भी काम आएगी। इस तरह की ट्रेन अपने आप में सोचिए कितनी खास है, जिसके लिए मैं कह रहा हूं ये पैसे बरसाएगी, ये अपने आप में रिकॉर्ड स्पीड पर चलेगी, उससे भी बड़ी बात कि ये जिंदगी बचाने के भी काम आएगी। ये वो ट्रेन लेकर आ गए हैं नरेंद्र मोदी। अब हम आते हैं उस बड़े मुद्दे पर जिससे मैंने शुरुआत की थी कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी ट्रेन लेकर आ गए हैं जो पैसे बरसाएगी। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यकीनन बताऊंगा कि ऐसे कैसे होगा। ये एक ऐसी ट्रेन है जो दिल्ली और NCR को इस तरह से जोड़ेगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ। NCR का मतलब 5 शहर बनाकर छोड़ दिया गया था, नरेंद्र मोदी ने उसे बढ़ाकर 20 शहर तक किया। लेकिन वो 20 शहर अगर आपस में इस तरह से कनेक्टेड नहीं है कि आप सोचें कि भाई अपना घर छोड़कर, अपना शहर छोड़कर दिल्ली में काम करने जाएं या ना जाएं, कौन 2-2.5 घंटे रोज ट्रैफिक सहे, कौन वापस लौटे, कौन वहां का किराया भरे वगैरह वगैरह, तो कोई क्यों आएगा, और जो आएगा वो बेचारा मन मारकर यहां काम करेगा। ये वो ट्रेन है जो करीब करीब पूरे दिल्ली NCR को कनेक्ट कर देगी और ट्रैफिक से निजात दिला देगी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेन पैसे भी बरसाएगी क्योंकि ये रोजगार की अपॉर्चुनिटीज खोलेगी। आप सोचिए जो मेरठ में बैठा व्यक्ति है अब वो आराम से, पहले उसको लगता था कि दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में रहूंगा, 20,000 की नौकरी करूंगा, 8,000 रुपया तो रहने खाने पीने चला जाएगा, किराए में चला जाएगा, अब उसको दिल्ली में घर लेने की जरूरत ही नहीं भाई, वो आराम से मेरठ में रहेगा, परिवार के साथ रहेगा, परिवार के साथ वीकेंड बिताएगा, वहीं रहेगा, सुबह निकलेगा, इस ट्रेन में बैठेगा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी जाएं जाएं करते हुए और 40 मिनट में उसको दिल्ली पहुंचा देगी और उससे भी कम समय में पहुंचा देगी। नौकरी किया, रात शाम में पत्नी को फोन लगाया कि चाय बनाओ, चढ़ाओ, मैं पहुंच रहा हूं, पकौड़े तलो, उतने देर में वो आराम से वहां पहुंच के और साथ में परिवार के साथ एंजॉय करेगा। आप सोचिए कितने लोगों के लिए रोजगार के साधन खुल जाएंगे जब वो दिल्ली NCR इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। आप देश की अर्थव्यवस्था के लिए सोचिए कितना बड़ा रास्ता खुल जाएगा। दूसरा पक्ष आपको दिखाता हूं, आप ये हिस्सा देखिए, ये पूरा जो है आपको शहरी इलाका दिख रहा है जहां घर बने हुए हैं, लेकिन यहां से दिल्ली से मेरठ तक और गुरुग्राम तक आप देखेंगे
कई ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रॉपर्टी की कीमत उतनी नहीं है। अब जब इस तरह की कनेक्टिविटी आएगी तो वो इलाके जो पिछड़े हुए थे जहां पर प्रॉपर्टी की उतनी कीमत नहीं थी, वो प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेगी। भाई कोई आदमी क्यों महंगा किराया देकर दिल्ली में रहेगा, वो यहीं रहेगा, यहां घर ले लेगा। जो दिल्ली में उसको 60 लाख में 1 करोड़ में 2 BHK आता है, वो यहां पर मेरठ के पास घर ले लेगा, कोठी बना लेगा उतने में, और आराम से यहां आराम से लग्जरी सीट पर बैठ के जाएगा, नौकरी करके वापस आएगा। तो प्रॉपर्टी की कीमत इन पूरे दिल्ली NCR के इलाकों में जिनकी जमीन की कीमत नहीं थी, वो कीमत जो है वो आसमान छुएगी। इस बात को भी आपको समझना होगा। और जो आसमान छूती कीमतें हैं दिल्ली NCR के कुछ रीजन में, स्पेशली दिल्ली नोएडा में, क्योंकि उनको पता है जो यहां नौकरी करने आएगा वो कहां जाएगा, हमको ही तो पैसा देके यहां रहेगा, वो कीमतें थोड़ी जमीन पर आनी शुरू होंगी। जमीन मतलब नीचे नहीं जाएंगी लेकिन स्टेबलाइज होंगी। जो अफलातून कीमत बढ़ी हुई है, अनाप शनाप लोग कीमत वसूल रहे हैं, वो कीमत भी थोड़ी कंट्रोल में आएगी। तो जो विकास के रास्ते हैं वो औरों के लिए खुलेंगे, जो विकास से जुड़ने का रास्ता है वो औरों के लिए खुलेगा। और देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कितनी महिलाएं, कल ही मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से NSSO की रिपोर्ट है कि रोजगार को लेकर महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ गई है, महिलाएं घरों से निकल रही हैं, बाहर आ रही हैं। आप सोचिए मेरठ में बैठी हुई महिला जो जिसके घर वाले सोचते होंगे कि दिल्ली कैसे जाएगी काम करने, ये नोएडा कैसे जाएगी काम करने, वो मेरठ से ट्रेन पकड़ेगी RRTS और 40 मिनट में पहुंच गई, 25 मिनट में पहुंच गई आराम से, सेफ AC में बैठकर। एक बार में इसमें 420 यात्री बैठते हैं और दिन भर में ये सोचिए कितने चक्कर लगाएगी अगर 150 और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो इतने लोगों के लिए रास्ते खोलेगी। तो इसमें आपको जो देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से है, आम लोगों के लिए पैसे कमाने के रास्ते खुल जाएंगे, पैसे बनाने के रास्ते खुल जाएंगे, प्रॉपर्टी की चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। और ये सही माध्यम में, मैं आपको विदेशों का बताता हूं, जैसे अगर आप पेरिस को देख लें, जो मूल पेरिस है वहां पर बड़ी आबादी नहीं रहती है, वो ग्रेटर पेरिस में रहते हैं और इसी तरह के किसी RRTS ट्रेन में बैठकर आते हैं, नौकरी करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन इस देश में दिक्कत क्या है कि ऐसी चीजें सोचने के लिए कोई नरेंद्र मोदी लगता है। दिल्ली NCR बना दिया, हो गया काम खत्म। यहां NCR को कनेक्ट ऐसा कर दो कि वो कनेक्टिविटी जो है वो हर आदमी को, चाहे वो अलवर में बैठा हो चाहे वो मेरठ में बैठा हो, उसको पैसे कमाने का, उसको बढ़िया जिंदगी जीने का वो मौका दे जो किसी और को मिलता। ये नरेंद्र मोदी ने सोचा और इसलिए RRTS बना। ये वो ट्रेन है जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने और उनकी सरकार ने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते भाई, और बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई कि पैसा देना पड़ेगा, और पैसा कहाँ है बताइए, ऐड में से पैसा काट लें क्या, तब जाके उन्होंने इस ट्रेन के लिए पैसा दिया था। तो नरेंद्र मोदी आम आदमी को दे रहे हैं मौका पैसा कमाने का, इज्जत से, स्वाभिमान से, कि काम करो पैसा कमाओ और अच्छी जिंदगी जियो, देश को आगे ले जाओ। और दूसरी तरफ लोग जो ऐसे मौके मिल सकते हैं उसमें पैसा खींच रहे हैं और उसके बाद कहते हैं हम फ्री में बिजली देते हैं, हम फ्री में पानी देते हैं, हम फ्री में ये देते हैं। अरे फ्री किसको चाहिए बॉस, ये व्यवस्था करके दो ना। तो मुझे लगता है ये गेम चेंजिंग अनुभव होने वाला है और मौका होने वाला है दिल्ली NCR के लिए इस RRTS प्रोजेक्ट के जरिए, जिसका पहला फेज जो है वो अब शुरू हो रहा है और जून 2025 तक ये पूरा स्ट्रेच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये दिल्ली NCR के लिए एक नई गाथा लिखने जैसा होगा।